एक्स्ट्रा टाइम। कोलकाता के लिए ये कैसा सीजन रह सकता है? पिछले साल क्वालिफिकेशन के बहुत करीब आए थे पर क्वालिफाई कर नहीं पाए थे अंत में। शुरुआत ठीक ठाक से थी, बीच में कप्तान चेंज किया गया एंड थिंग्स नेवर रियली टर्न्ड आउट टू बी द वे दे वांटेड। तो अब इस सीजन से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए बहुत सारे विकल्प हैं इस टीम के पास और पहली बार इन्होंने ये सुनील नारायण के लिए विकल्प रखा है, आंद्रे रसल के लिए विकल्प रखा है, इनके पास शाकिब अल हसन है, इनके पास बेन कटिंग है। तो ऑफकोर्स लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती पर जो भी बेस्ट संभव है वो काम इस टीम ने किया है। अब ताकत में अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनके पास आंद्रे रसल नाम का एक एब्सोल्यूट रनअवे मैच विनर है, तो वो जिस दिन चल पड़ा तो कमाल करेगा। फास्ट बॉलिंग में इनके रिसोर्सेज बहुत बढ़िया हैं, चाहे वो पैट कमिंस हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, शिवम मावी, नगर कोटी, संदीप वॉरियर, दे गॉट लॉट्स ऑफ गुड फास्ट बॉलर्स, तो वहाँ वो अच्छा करेंगे। वरुण चक्रवर्ती अगर फिट रहते हैं तो उनकी गेंदबाजी मुझे लगता है बहुत काम आएगी, क्योंकि इनके शुरुआती मुकाबले जो हैं वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर हैं। इवेंचुअली ये पहुँचेंगे बैंगलोर, वो मैदान इनको बहुत पसंद आएगा, पर शुरुआत अच्छी करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बैंगलोर तक पहुंच गए से 4 विंस के साथ पहले 9 मुकाबलों में, तो उस आखिरी का काम जो है वो काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑन मॉर्गन को मैदान पसंद आएगा, आंद्रे रसल को मैदान पसंद आएगा, तो वहां तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए मुझे लगता है कि इस टीम को अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन सही करना जरूरी है कि शुभमन गिल के साथ आप किसको ओपन कराएंगे। मेरे विचार में आप शुभमन गिल के साथ राहुल त्रिपाठी को रखिए, थोड़ा सा भूल जाइए सुनील नारायण के बारे में फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद नितेश राणा, देन यू गॉट ऑन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, शाकिब अल हसन। अगर ये आपकी बल्लेबाजी हो तो फिर आप ऊपर नीचे किसी को भी भेज सकते हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली आप बिल्कुल बेबाक बिंदास अंदाज में खेल सकते हैं, जो हमने देखा है कि हर बार हुआ नहीं है। आंद्रे रसल ने रन नहीं बनाए पिछले साल, थोड़ा सा फिटनेस का भी इशू था, तो फिर वो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा टीम को। इस साल उम्मीद यही रही कि आंद्रे रसल फिट हैं तो आंद्रे अंदर गेंद बाहर ऐसा देखने को मिले। गेंदबाजी में कुलदीप यादव को खिलाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस और दीजिए, क्योंकि शुरुआती मुकाबले तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे है ना, तो वहाँ पर आपको कुलदीप यादव काम आ सकते हैं वरुण चक्रवर्ती के साथ, क्योंकि वरुण की फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान ज़रूर है। अब इस टीम से उम्मीद क्या की जा सकती है, कहाँ पहुँच सकते हैं ये? देखिए टीम ये अच्छी है, इस टीम में काफ़ी सारे मैच विनर्स हैं, अगर प्रदर्शन जो है अपने रेपुटेशन के अनुसार करें, अपने काबिलियत के अनुसार करें, तो ये टीम वो क्वालिफिकेशन के इर्द गिर्द पहुँच सकती है। अभी भी मुझे ये नहीं लगता कि ये नंबर वन नंबर टू पे फिनिश करने वाली टीम है, ये मिड टेबल टीम है, और जो मिड टेबल टीम रहती है वो अगर फॉर्म आपके हाथ लग गया, रिदम आपको मिल गया, मोमेंटम मिल गया, तो आप अंतिम 4 में पहुंच जाते हैं। अगर वो कहीं आप स्लिप कर गए तो फिर आप 5-6 पर रह जाते हैं, तो वहां मैं इस टीम को समाप्त होते हुए देखता हूं। इफ़ थिंग्स फॉल राइट, इफ़ दे आर ओके, तो ये क्वालिफाई भी कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल जो इस टीम के सामने रहेगा वो होगा कि कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाया जाए। तो एक तो पैट कमिंस आप खिलाएंगे, दूसरे कप्तान और मॉर्गन को खिलाएंगे, तो ये 2 हो गए। आंद्रे रसल को तो आपको 100% खिलाना है, अब शाकिब और नारायण में से शायद आपको एक खिलाना पड़े, तो फिर आप लॉकी फर्ग्यूसन को नहीं खिला पाएंगे, जबकि लॉकी का परफॉर्मेंस जो था पिछले साल वो बहुत ही उम्दा रहा था। तो अब ये और टिम साइफर्ट को टीम में तो रख लिया, पर टिम साइफर्ट को आप खिलाएंगे कैसे, क्योंकि जो 4 ओवरसीज हमने नाम लिए इसके बाद जगह बचती नहीं है। शुभमन गिल के लिए सीज़न अच्छा रहना चाहिए, आई रियली होप दैट ही डज वेल, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मौका है उनके लिए अपनी रेपुटेशन को एनहेंस करने का, अपनी वो कहते हैं ना अपना वो दावेदारी पेश करने का कि चलिए आप मुझे वाइट बॉल के वो 50 ओवर फॉर्मेट में टीम में रखते हैं, भारतीय टीम T20 के लिए भी आप मुझे कंसिडर कीजिए, क्योंकि मैंने IPL में प्रदर्शन एकदम लाजवाब किया है। सो आई एम विशिंग कोलकाता नाइट राइडर्स ऑल द वेरी बेस्ट। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.